नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सब मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक में। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इस समय पर देख रहे हैं मेरे Facebook पेज पे और Instagram पे भी, तो आप बेल आइकन प्रेस करके सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई, ज्योतिष से जुड़ा हुआ ज्ञान, सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी अपडेट्स हैं, आपको इस चैनल पर मिल पाए। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए और मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए, आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर। हम बात करेंगे आपके नक्षत्रों की। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका अलग अलग व्यक्तित्व होता है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र के अनुसार देखें, तो अंक शास्त्र के अनुसार 1 से लेकर के 9 नंबर तक का बहुत महत्व माना जाता है। वैसे तो आपने नंबर्स कितने सारे गिने होंगे, मगर वहीं पे नंबर केवल अगर हम बात करें तो 9 ही होते हैं। चाहे आप उसके आगे कितनी भी डिजिट्स जोड़ते जाइए, मगर एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, अंक शास्त्र में नंबर केवल 9 ही माने जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें हमारे एस्ट्रोलॉजी की, यानी ज्योतिष की बात करें, तो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह, इसके अलावा 27 नक्षत्र। तो कहीं ना कहीं नक्षत्र जो हैं उनकी आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमने नंबर्स की लगातार हम बात करते हैं, हम राशियों की बात करते हैं, 12 राशियों की बात करते हैं, हम चारों कार्ड्स की बात करते हैं। हम आज कुछ अलग करेंगे, हम बात करेंगे नक्षत्रों की और जिस नक्षत्र में आप जन्मे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं, तो उसकी राशि देखते हैं, लग्न देखते हैं, और साथ साथ उसका हम जो है कहीं ना कहीं उसकी नाम राशि देखते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, यानी चंद्रमा से भी हम देखते हैं, सूर्य से भी देखते हैं और लग्न भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस समय पर कि नक्षत्र जो होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बताने में, कि इंसान के जीवन पे उसका कैसा प्रभाव रहता है, कैसे नक्षत्र के लोग किस तरह का बिहेवियर करते हैं। जैसे हम नाम के पहले ही अक्षर से जान लेते हैं कि इस व्यक्ति का नेचर ऐसा होगा, इसका स्वभाव ऐसा होगा, इससे हमें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर राशि से हम इसका स्वभाव जान लेते हैं। तो उसी तरह से आज हम बात करेंगे नक्षत्र, नक्षत्र से किस तरह से आप व्यक्ति का स्वभाव जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले नक्षत्र की, हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। हालांकि अगर देखा जाए तो 27 नक्षत्र हैं, 27 वीडियोस आपके लेकर के आऊंगी मैं। आपने कौन से नक्षत्र में जन्म लिया है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से नक्षत्र में जन्मे हैं। कुंडली में अपनी, आपके पास कुंडली हो तो खोल के देखिएगा, नक्षत्र में जब आपकी जन्म कुंडली की बर्थ डिटेल्स आई होगी तो उसमें नक्षत्र पे लिखा होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आपने कौन से नक्षत्र पे जन्म लिया है, और साथ ही साथ इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए, फिलहाल हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र की अगर हम बात करें तो इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा हर एक चीज का जो जुड़ाव है वो हमारे ग्रहों से ही जुड़ा है। तो अगर इस नक्षत्र की हम बात करें, इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो है केतु, और इस नक्षत्र की जो राशि है वो है मेष। अब मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि के जातक जो होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि उनकी राशि स्वामी मंगल होते हैं। मगर वहीं पे अगर हम केतु की बात करें तो केतु व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बना देता है। अब मंगल और केतु की तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि फ्रेंडशिप होती है, क्योंकि मंगल और केतु दोनों ही डिफरेंट कैटेगरीज में आता है। अब मगर वहाँ पे अगर हम बात करें अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों की, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र की अगर हम बात करें तो अश्व इसका साइन होता है, यानी अगर हम बात करें अश्विनी की, तो अश्विनी जो है सूर्य देव के पुत्र थे, अश्विनी कुमार, जिनको हमारे पूरे वर्ल्ड में ये कह लें, या हमारे पुरानी कथाओं के अकॉर्डिंग कह लें, जिनको सबसे पहला चिकित्सक ही माना जाता है अश्विनी कुमार को। तो वहीं पर अगर हम बात करें अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों की, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, फायर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ऑलरेडी इनकी अगर हम राशि की बात करें तो मेष राशि होती है, स्वामी मंगल होते हैं, तो ऐसे लोग काफ़ी हद तक एनर्जेटिक होते हैं, हर एक कार्य को बहुत सूझबूझ से, बहुत सावधानी से करना पसंद करते हैं। मगर वहीं पे ऐसे लोग
क्रोधी भी बहुत ज्यादा होते हैं, यानी छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़पन हो जाना, गुस्सा आ जाना, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों की स्वभाव में होता है, उसमें हम कुछ बदल नहीं सकते। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हम इसकी नेचर का क्या करें, इस व्यक्ति का क्या करें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मेनली हर एक व्यक्ति के नंबर, नाम, नक्षत्र, राशि, लग्न, इन सारी चीज़ों को मिला करके एक व्यक्ति की नेचर बनती है। तो वहीं पे अश्विनी नक्षत्र के हम जन्मे लोगों की बात कर रहे हैं, इनका स्वभाव काफ़ी हद तक चंचल होता है, एडवेंचरस चीज़ें इनको करना बहुत पसंद होता है। अगर आप ये सोचें आप कहीं बिल्कुल शांत जगह पे जाएंगे, मगर अश्विनी नक्षत्र के जन्मे लोग थोड़ा सा लाउड प्लेसेस पसंद करते हैं, एडवेंचरस प्लेसेस पसंद करते हैं। हो सकता है कि बहुत सारी घूमना फिरना, एनर्जेटिक क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके स्वभाव में होता है, इनके शौक में होता है। जैसे घोड़ा होता है ना, हमेशा कहीं ना कहीं एनर्जेटिक रहता है, फायर उसके अंदर रहता है, हमेशा भागना दौड़ना, वही सारी क्वालिटीज़ अगर हम देख करके चले तो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के अंदर पाई जाती है। वहीं पर केतु है नक्षत्र का स्वामी, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें, आप खुद भी अपनी कुंडली में देखिएगा, और मैं आप दोबारा से कहूँगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझको ये चीज़ बताइएगा कि ऐसे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रैवलिंग भी करते हैं तो वो स्पिरिचुअल प्लेसेस पर ट्रैवल करेंगे। अब बहुत सारे लोग आप देखते होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में भी, आप देखते होंगे अपने रिलेटिव्स में देखते होंगे कि कहीं पर भी जा रहे हैं मगर स्पिरिचुअल प्लेस पर ज़रूर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। अगर ये ऐसे लोग जो होते हैं कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाएंगे, धार्मिक स्थानों का दर्शन करना, और कहीं ना कहीं अगर इनकी नेचर की बात करें घर परिवार वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो सावधान होते हैं, या फिर हम ये कह लें कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। घर परिवार में कोई प्रॉब्लम हो सबसे पहले ये आगे आते हैं, किसी भी तरह की परेशानी आ जाए फाइनेंशियली, इमोशनली, रिलेशनशिप में, किसी भी तरह में, तो हेल्पिंग हैंड इनका सबसे पहले होगा, और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में आगे ही रहना पसंद करेंगे। मगर हाँ, ऐसे लोगों के भाई बहनों से थोड़ा सा जो है वो अनबन सी रहती है, क्योंकि ये इन लोगों के विचार जो हैं आपस में, जो इनकी अपने आसपास की जनरेशन होगी ना, जैसे अगर पेयर ग्रुप होगा तो इनकी बहुत ज़्यादा जो सोच है वो मैच नहीं करती होती, कहीं ना कहीं क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बहन भाइयों से इनके थोड़े से विवाद बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा घर परिवार में मगर अपने माँ बाप के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, अपने रिलेटिव्स में इनका फुल 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 सपोर्ट रहता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के अश्विनी में नक्षत्र में जन्मे लोग होते हैं। बात करेंगे इनके करियर की, करियर इनका बहुत अच्छा होता है, करियर में कहीं ना कहीं मेहनत करना पसंद करते हैं, एक कार्य अगर ये शुरू करते हैं तो उसको समाप्त भी करते हैं, यानी कि बीच में कार्य छोड़ दिया कार्य ही खत्म, ऐसा नहीं है, कार्य पूरा पूरा समाप्त करेंगे, पूरा पूरा शुरू करेंगे, जो भी इनको काम दे दो फटाफट से करेंगे, मगर बहुत ज़्यादा सफाई से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफाई से काम नहीं करते हैं, मगर ऐसे जन्मे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे से हर एक कार्य को बहुत सावधानी से, बहुत ही ज़्यादा देख परख के काम करते हैं, और इनको ऐसे ही काम करने वाले पसंद आते हैं। इनके अंदर थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर होती है, बॉस टाइप ये लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्पेशली अगर ऐसे लोग जो हैं बॉस हैं, ऑलरेडी किसी अच्छे पद पे काम कर रहे हैं, तो इनसे जो नीचे लोग काम करते हैं वो उनको कहीं ना कहीं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी बहुत अच्छे से, बहुत नीट एंड टाइडी, बहुत जल्दी से, बेहतरीन तरह से इनको काम करके दें बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में। मगर ऐसा नहीं होता तो ये फिर क्रोधित हो जाते हैं। तो ये इनकी थोड़ी सी जो है एक लैकनेस कह लें, या हम ये कह लें कि इनकी कमजोरी है शॉर्ट अगर हम बोलें, मगर वहीं पे ये लोग जो है हर एक कार्य को सफलता भी प्राप्त करते हैं, हर एक कार्य में कम टाइम में काम करेंगे, साफ सुथरा काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, जो कि आगे चल के इसी काम की वजह से ये आगे भी बढ़ते जाते हैं। रिश्तों के प्रति बहुत अच्छे होते हैं, और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप के प्रति भी काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, मगर थोड़ा सा इनके पार्टनर से इनकी अनबन रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत चलती है जिसकी वजह से इनके बीच में क्लैशेस आते हैं, मगर फिर भी हर एक चीज़ को संभालना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग। आपका कौन सा नक्षत्र है फिर से कहूंगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, और साथ साथ हम आगे भी बात करेंगे बाकी के 26 नक्षत्रों की, किस तरह से कौन सा नक्षत्र का व्यक्ति
उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक, और लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।